भारत और बांग्लादेश मैच शुरू होने से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका कि यहाँ पे देखें तो सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा के बीच बहुत ही बड़ा विवाद निकल के आ रहा है। क्या रहेगी प्लेइंग 11 की, संभावित प्लेइंग 11 टीम इंडिया की खेल जो भी बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले इंपॉर्टेंट मैच है, तो पूरा डिटेल रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में क्या इस समय विवाद उठ चुका है जिसको लेकर सूर्य कुमार यादव काफ़ी नाराज हो टीम इंडिया में शामिल किए जाएंगे ये नहीं वो भी बताऊंगा। चैनल को चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों बता दें कि टीम इंडिया इस समय वर्ल्ड कप में देखे तो सबसे फेवरेट पे चल रही है क्योंकि तीन मैच, पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाया टीम इंडिया ने, उसके बाद अफगानिस्तान को, तीसरे मैच में जो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच था भारत और पाकिस्तान का, उसको भी यहाँ पर टीम इंडिया ने जीत दर्ज कर लिया है। तो इस जीत के साथ 6 पॉइंट है और सेमीफाइनल में पहुंचने की टीम इंडिया के लिए काफी बेहतरीन है। अब बात करें जो भारत और बांग्लादेश का मैच होना है उसको लेकर प्लेइंग 11 की, तो यहां पे देखें तो रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच में एक बड़ा विवाद निकल के सामने आ रहा है क्योंकि यहां पे देखें पाकिस्तान के खिलाफ उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव को यहां पर टीम इंडिया में शामिल किया जाएगा, कप्तान रोहित शर्मा ने लेकिन उनको नहीं शामिल किया। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव इस समय काफी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं जिसके चलते उनको टीम में नहीं शामिल किया गया था, लेकिन जो बांग्लादेश के खिलाफ इंपॉर्टेंट मैच होने वाली, इस मैच को टीम इंडिया जीत लेती है तो सेमीफाइनल में पहुंचने की 100% उम्मीद और बढ़ जाएगी। तो क्या सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया में शामिल किया जाएगा, इसको लेकर जो चर्चाएं निकल के आ रही है मीडिया की, अगर जो बात कर ले तो उम्मीद यह लगाया जा रहा है कि श्रेयस अय्यर या विराट कोहली को किसी एक खिलाड़ी को आराम दिया जा सकता है जो बांग्लादेश के खिलाफ 20 तारीख को ये मैच होने वाला है। अब अगर जो यहाँ पे देखें, अगर जो विराट कोहली नहीं खेलेंगे तो उनके जगह पे सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता है, श्रेयस अय्यर को भी आराम दिया जा सकता है, उनके जगह पर भी सूर्य कुमार यादव को शामिल। बाकी देखें तो शुभम गिल, रोहित शर्मा और केएल राहुल के साथ टीम इंडिया मैदान में उतरेगी, गेंदबाजों में कोई खासा बदलाव नहीं होने वाला है क्योंकि जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी की जिसके चलते आपको मालूम है कि एक समय पाकिस्तान के स्कोर 155 पे 2 था और 191 पे ऑल आउट हो गए। तो गेंदबाजी में कोई खासा बदलाव नहीं होने वाला, बल्लेबाजी में ही इन दो खिलाड़ियों को जगह हो सकता है सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया में शामिल किया। क्या लगता है आपको, सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया में शामिल किया जाना चाहिए नहीं, वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।